गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। ये चैप्टर के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या अडॉप्ट कर लिया इंडिया ने? मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर लिया है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ में एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ही अपनी इंडस्ट्रीज ओपन कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं था कुछ भी करने के लिए। पर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? दोनों सेक्टर साथ में एग्जिस्ट होते हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में एग्जिस्ट हो सकते हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर कौन सी एंटरप्राइज होती है, कौन सा सेक्टर होता है जहां पे ओनरशिप, मैनेजमेंट सब कुछ एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है। अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताओ तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट कुछ मैनेज नहीं करती है, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि देखो, टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर लाइक, प्राइवेट सेक्टर किस टाइप के होते हैं? तो इंडिविजुअल ऑनरशिप, हमने पढ़ा था ना सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक प्राइवेट सेक्टर है। पार्टनरशिप, कॉरपोरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब क्या है? ये सब है प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ओके, उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्लियर हुआ? जो भी एंटरप्राइज का, जो भी सेक्टर का ओनरशिप, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में हुआ उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ये आगे की जो भी हमने इंट्रो पढ़ा है वो आप लोगों को समझना जरूरी है आगे के चैप्टर को और इंटरेस्ट से रीड करने के लिए और इंटरेस्ट से समझने के लिए। वापस से बताती हूँ, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसका मैनेजमेंट, कंट्रोल सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसका मैनेजमेंट, कंट्रोल कुछ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। ग्लोबल एंटरप्राइज हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस होता क्या है। ओके, अगर आधा मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हाथ में है, अभी सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी है जिसका आधा मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है और आधा एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में है। ओके, तो अगर आधा भी गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल हुआ ना तो उसको भी बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। क्लियर हुआ? देखो, हम ये वाली लाइन रीड कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। द ऑनरशिप ऑफ सच यूनिट मतलब पब्लिक सेक्टर, द ऑनरशिप ऑफ सच यूनिट आर इधर पार्शियली और फुल्ली इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका ऑनरशिप आधा या पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ओके, उसे हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। ये आप लोगों को रीड करना है, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, पब्लिक सेक्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर, एनी एंटरप्राइज विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्लियर हुआ? कोई भी एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसे बोलेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्लियर हुआ? कोई भी पूछे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, तो वो एंटरप्राइज जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। पब्लिक सेक्टर चाहती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे कि बाकी की जो इंडस्ट्रीज है वो उसका ग्रोथ हो। ओके, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ये इम्पॉसिबल था प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को कि उन लोग ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रीज में। ओके, क्या हो रहा था ना, जितना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रही थी उतना उनको स्टार्टिंग में रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं थी इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया मतलब पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट किया। क्यों इन्वेस्ट किया पब्लिक सेक्टर ने? क्यों बाकी की जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, उनका ग्रोथ हो, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर मींस गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री कहां से एस्टेब्लिश होना स्टार्ट की? पब्लिक सेक्टर से। ओके, सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली। व्हेन गवर्नमेंट ओन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट मोनोपोली वैनिश। जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पे मैनेज करना स्टार्ट किया तो प्राइवेट मोनोपोली खत्म हो गई। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली आप लोग इकोनॉमिक में पढ़े होंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक और बार। मोनोपोली मींस ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ एक ही सेलर हो। अगर आप लोगों को कुछ परचेस करना पड़े तो आपको कोई ऑप्शन नहीं हो, बस एक ही शॉप हो, एक ही सेलर हो, उसके पास से ही परचेस करना पड़ेगा। इसका क्लियरली आप लोगों ने इकोनॉमिक में पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोनोपोली खत्म हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो प्राइवेट मोनोपोली खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी प्राइवेट लोगों का जो राज चल रहा था। सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी व्हेन गवर्नमेंट ओन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट मोनोपोली वैनिश। क्या बोल रही है लाइन? जब गवर्नमेंट मैनेज करने लगेगी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे ओन करने लगेगी, तो प्राइवेट मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मोनोपोली क्या है ये आप लोगों ने इकोनॉमिक में पढ़ा है, मैं आप लोगों को एक और बार शॉर्ट में बता देती हूँ। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पे एक ही सेलर होता है, एक ही ऑनर होता है। अगर आप लोगों को कुछ परचेस करना होता है तो आप लोगों को वही शॉप पे जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी शॉप से परचेस करने का। ओके, तो प्राइवेट मोनोपोली खत्म हो जाएगी जब पब्लिक सेक्टर होगा। थर्ड है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यह आप लोगों ने सुना होगा कि एक जगह पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, इतना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड एरिया है, और उसी उसके कंपेयर में दूसरी जो प्लेस होती है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता है? एक इंडिया में ही एक प्लेस इतनी डेवलप्ड है और दूसरी डेवलप्ड ही नहीं है, क्योंकि जो प्लेस डेवलप्ड है वहां पे इंडस्ट्रीज होगी, वहां पे कमाने के बहुत सारे सोर्सेस होंगे, इसलिए वो प्लेस इतनी डेवलप्ड है। ओके, तो देखो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है इंटरेस्टेड ही नहीं है बैकवर्ड एरिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होती है। गवर्नमेंट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग बैकवर्ड एरिया। कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करता है बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन रौकेला, बोकारो, बिलई एक्सेट्रा इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड डेवलप्ड सच बैकवर्ड एरिया. गवर्नमेंट ने इन जगह पे इन्वेस्ट किया है और इन बैकवर्ड एरिया को डेवलप्ड किया है. ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है, पब्लिक सेक्टर का एम होता है सोशल वेलफेयर अचीव करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी का भला करना. ओके, प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है कि सिर्फ उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो और कुछ नहीं, पर पब्लिक सेक्टर क्या चाहता है कि प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी का भला हो. ओके, ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी रिसीव बेनिफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बाय स्पीडिंग अप इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिक इंडस्ट्रीज आर सेटअप एंड थ्रू दैट द एंटायर सोसाइटी विल मेंटेन विल अटेन वेलफेयर. क्लियर हुआ? सोसाइटी का हर एक सेक्शन पब्लिक सेक्टर का बेनिफिट रिसीव कर रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ओके, क्लियर हुआ? फिफ्थ है लो लेवल ऑफ प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज एट वेरी लो लेवल ऑफ प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत कम लेवल के प्रॉफिट से, मतलब वो नहीं चाहते कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वो तो ये भी चाहता है कि उसका प्रॉफिट हो साथ में सामने वाले का भला भी हो. क्लियर हुआ? पब्लिक सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कम प्रॉफिट में सर्विसेज प्रोवाइड करता है. पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर अगर लॉस भी इनकर कर लेना, अगर पब्लिक सेक्टर को लॉस भी हो जाए ना तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती थी, पर 1991 के बाद पॉलिसी चेंज हुई है और वो पॉलिसी में है कि पब्लिक सेक्टर को नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करना ही है. क्लियर हुआ? पब्लिक सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें बहुत कम प्रॉफिट अर्न करती है. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, जब पहले लॉस होता था, पब्लिक सेक्टर को जब लॉस होता था तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर लेती थी, पर 1991 के बाद पॉलिसी चेंज हो गई है और अभी पब्लिक सेक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करना ही है उसे. सिक्स्थ है मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. पब्लिक सेक्टर इज मोर सुटेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. पब्लिक सेक्टर को कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो पब्लिक सेक्टर ज्यादा सुटेबल है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट. जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, पब्लिक सेक्टर के हाथ में है. ओके, सेवेंथ है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है. कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है हम समझते हैं. डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया विच इज हाईली पॉपुलेटेड शुड हैव प्रायोरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. When investment of public sector increases, related industries also develop and that lead to employment generation. क्या बोल रही यहाँ पे? Developing country. India एक developing country है जहाँ पे बहुत population है. Okay? तो ज्यादा population है तो ज्यादा employment opportunities भी होनी चाहिए. Okay? तो जितना public sector invest करेगी उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतनी ही इंडस्ट्रीज डेवलप होगी. व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंक्रीज, जब पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो बाकी की जो इंडस्ट्रीज है वो भी डेवलप्ड होगी और जब इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके,
हर एक कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए होता है, हर एक कंट्री चाहती है कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। पब्लिक सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिएट करता है। ओके, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिएट करता है। तो जो कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्रीज है वो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना तो पॉसिबल है ही। ओके, नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो जो भी पॉलिसीज प्रिपेयर करनी होगी वो गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगा। तो गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी प्रिपेयर करता है, देखो, प्रोवाइडिंग फ्री और कंसेशनल सर्विसेज, जॉब सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग जॉब कंडीशन, लेबर लॉज आर फुल्ली फॉलोड, प्रायोरिटी टू वुमेन इज गिवन एक्सेट्रा। दिस हेल्प पब्लिक सेक्टर टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस इन बेटर वे। ओके, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रिपेयर करता है तो वो इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि वुमेन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जहां पे जॉब करे वो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, लेबर लॉ फुल्ली फॉलो होना चाहिए। तो इस टाइप की पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है। तो जब गवर्नमेंट इस टाइप की पॉलिसी बनाता है तो वो हेल्प करता है सोशल जस्टिस, एक टाइप का प्रोवाइड करता है, इस टाइप की पॉलिसी बना के वो प्रोवाइड करता है सोशल जस्टिस इन अ बेटर वे। ओके, नेक्स्ट है आइडल वेजेस एंड फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉय। अच्छे वेजेस और अच्छी फैसिलिटीज मिलती है एम्प्लॉयज को पब्लिक सेक्टर में। As the ownership of public sector rest with government, public sector की जो ownership है वो government के पास है, तो वो decent wages pay करता है, अच्छे wages pay करता है, जितना pay करना चाहिए उतना pay करता है। okay, decent wages pay करता है। We can see better facilities given to employee of public sector. हमने देखा भी है कि public sector के जो employees है उनको better facilities मिलती है as against private sector employee and strives to become an ideal employers. क्लियर हुआ? ये हमने देखा भी है कि जो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिलती है प्राइवेट सेक्टर के कंपेयर में। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक थी पब्लिक सेक्टर की। आप लोगों को इसको रीड करना है और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोगों को पूछना है, अगर कुछ डाउट भी होगा वो भी पूछना है। ओके,